हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने के पहले जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूँ कि आज की क्लास जो हमने पुराना शुरू किया है उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो आज का टॉपिक है, ये मैं आपसे बता दूँ केवल परसेंटेज के लिए ही, जो कि अभी हमारा चल रहा है उस चैप्टर तक ही इसका इम्पोर्टेंस सीमित नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस आप जब आप किसी भी एग्ज़ाम में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल मिलते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी अर्थमेटिक हैं, अर्थमेटिक पोर्शन में चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक में इसका इस्तेमाल होगा ही होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, ठीक है। परसेंटेज चेंज, चेंज कहने का मतलब कि बढ़ना या घटना, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, परसेंटेज चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। आपने सुना होगा परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। अब इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि दो तरह से इसमें हम चीज़ों को लेते हैं। पहला, जब इंटीजर के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब जो हमारे सिंपल जो प्लेन नंबर्स होते हैं 1%, 2%, 3%, इस तरह में हो। और दूसरा, जब नॉन इंटीजर के फॉर्म में हो। नॉन इंटीजर कहने का मतलब कि भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी इंटीजर के फॉर्म में हो तो सक्सेसिव मेथड यूज़ करना है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड क्या था, क्या करते थे, कैसे करते थे, मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखना जरूर, ठीक है। हमने शुरू किया था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड हम कब लगाते हैं, जब इंटीजर फॉर्म में ना दिया हो। तो आज के बाद से इस चीज़ को अपने दिमाग में, जहन में अच्छे तरीके से इस बात को उतार लीजिए कि अगर इंटीजर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस समय आप सक्सेसिव का तरीका इस्तेमाल करेंगे, और अगर इंटीजर के फॉर्म में ना हो तो आप रेशियो मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे हम सक्सेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्लियर। तो सिंपल सी बात जो मैं कह रहा हूँ, अपना कंक्लूजन दूंगा कि इंटीजर है तो सक्सेसिव इस्तेमाल करिए, नॉन इंटीजर है तो रेशियो मेथड इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेशियो मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे तो अब इसी चीज़ को हम और अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग सेशन में बने हुए हैं, और पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सीखते हैं, ध्यान से अच्छे तरीके से बातों को सुनना, ठीक है। रेशियो मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरी बातों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे, आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, बच्चों याद रखना, ठीक है। पूरा सेशन ज़रूर देखना है, सेशन अगर पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी बातें। देखो, जैसे रेशियो मेथड के बारे में बात करें, मान लीजिए कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक को मैं नाम दे देता हूँ ए और दूसरे को नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। अच्छे तरीके से बातों को सुनना, एक बार में सारी बातें समझ में आएंगी। मान लो ए जो है वो है 12 1/2%, ठीक है, 12 1/2%, और बी जो है, बी मान लेते हैं 22 2/9%, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ जोड़ दे रहा हूँ कि ए जो है 12 1/2% से बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और बी जो है 22 2/9% कितना घट रहा है, मतलब डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपको बताना है कि प्रतिशत चेंज क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत चेंज क्या होगा, ठीक है। अब प्रतिशत चेंज का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि प्रतिशत चेंज में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रतिशत जो बदल रहा है वो बढ़ते क्रम में हो रहा है कि घटते क्रम में हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इसको अप्रोच कैसे करते थे, रेशियो मेथड। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि मिश्रित भिन्न में है, मतलब कि ये आपका प्लेन नंबर्स नहीं है। तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। रेशियो मेथड में हम एक तरफ लिखेंगे ओल्ड, ठीक है, फिर रेशियो लगा दो, और फिर एक तरफ हम लिखेंगे न्यू, ठीक है। अगर आप
हिंदी मीडियम के हैं तो इतनी आपको हिंदी तो आती ही होगी कि ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुराना लिखेंगे, यहाँ पे नया लिखेंगे। अब आपको काम क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो। 12 1/2% का जो भिन्न रूप है वो होता है 1/8, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1/8 और 1/8 बढ़ रहा है, ठीक है। 22 2/9% 22 2/9% क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। 11 1/9% जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 1/9, ठीक है। अब इसी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, 22 2/9%। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली कितना मिल गया, 2/9। ये सारी बातें अगर आपको नई लग रही हैं तो इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परसेंटेज की जो मैंने शुरुआत किया है 0 to 0 बैच का, उसमें मैंने स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में इन्हीं बातों को बताया है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जा करके उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 22 2/9% का मान कितना है, 2/9। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, कम हो रहा है यानी कि माइनस, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं, अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए के लिए क्या है, ओल्ड। ओल्ड मतलब हमेशा याद रखना है, मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं। ओल्ड यानी कि मूल, मतलब जो नीचे दिया है। तो ए के लिए नीचे क्या दिया है, 8, ये इसका पुराना हो गया। उसी तरह से हम बी के लिए बात करते हैं, बी के लिए पुराना क्या है बेटा, ये नीचे वाला क्या है, 9, ठीक है। ओल्ड मतलब हमेशा आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, यानी कि जो हर में दिया गया है उसको, ठीक है। फिर बड़े प्यार से रेशियो लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ बढ़ रहा है मतलब 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, 9, ठीक। उसी तरह से ये देखो 9 - 2 कितना हो गया, 7। आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो बताया आपको सारी बातें क्लियर हैं। ये है रेशियो मेथड का ढांचा, ठीक है। इतना आपको अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो जो भी बच्चों जो जिनको आज तक रेशियो मेथड नहीं पता था उनको आसानी से समझ में आए। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। तो देखो 8 × 9 कर देंगे कितना हो जाएगा, 72। 9 × 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। एक तरीका ये है। तो अगर आप देख सकते हो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम इसको दोनों को 9 से काट सकते हैं, तो 9 × 8 = 72, 9 × 7 = 63, क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेशियो आपने देख लिया पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, आप देखो क्या है, पहले 8 था अब 9 है, तो 8 से पहले 8 था अब 7 है, तो 8 से 7 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखे रहिए कि आपको हमेशा पुराने से नए की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि हम पुराने के ही तौर पर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 8 था अब कितना हो गया है, 7, तो कितने की कमी हो रही है, -1 की कमी, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रतिशत बदलाव होगा वो प्रतिशत कमी बताएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, आप सीधे सीधे बोलेंगे जो अंतर है उसको ऊपर लिखना है, जो पुराना वैल्यू है, ठीक है, हमेशा तीर के पीछे वाला हिस्सा जो पुराना वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। 1/8 का अगर आप इसका प्रतिशत में चेंज करोगे तो कितना होता है, 12 1/2%। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है, आप बोलेंगे 12 1/2% का, या फिर कह सकता है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, आप बोलेंगे 12 1/2% की, ठीक है। ध्यान से देख लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक और तरीका इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। गाना गाते गाते पढ़ते रहा करो, ठीक है, चीज़ें आसान रहेंगी, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहेगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नोट नहीं भी किया तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि यहाँ मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 9 हो गया 72, 9 × 7 हो गया 63, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है कैंसिल होने की, कैंसिल हो रहा है तो 8 ratio 7 आया, ठीक है। हम यहाँ पे इसी चीज़ को हम पहले ही कैंसिल करेंगे, कैसे, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो, हम कैंसिल हमेशा कैसे करते हैं, याद रखो कैंसिल के नियम, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कैंसिल के रूल, रूल ऑफ कैंसिलेशन। आप या तो डायगोनली कैंसिल करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, अगर इस तरह से कैंसिल हो रहा है तो आप करेंगे। दूसरा सामने सामने, अगर सामने सामने कैंसिल हो रहा है तो आप सामने सामने कैंसिल करेंगे, ये दोनों मेथड वैलिड हैं, ठीक है। तीसरा, जिसमें गलती हो सकती है उससे बचना है, आप कभी भी वर्टिकली कैंसिल नहीं करेंगे, कभी भी आप वर्टिकली कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब कभी भी आप इन दोनों को आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, ये गलत होता है, ठीक। तो चलो अब देखो कैंसिल करते हैं डायगोनली, देखो 9 से 9 कट गया कि नहीं, कट गया, ख़त्म। तो यहाँ देखो अब 8 और 7 तो आपस में नहीं कटेगा, तो सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 7। क्या सबसे पहले हमने जो कैंसिल किया था यही आया था 8:7, तो 8 कितना बन जा रहा है 7, माइनस 1 की कमी हो रही है, 1/8 × 100, ये हो गया आपका आंसर। कैसा लगा, इसको मैंने बहुत ही इत्मीनान तरीके से समझाया है। अगर ऐसा नहीं बढ़ना है कि हमें वो शताब्दी एक्सप्रेस पकड़नी हो कि जल्दी जल्दी करके चीज़ों करना, नहीं, सीखना एक स्लो प्रोसेस होता है, तो अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करेंगे स्क्वायर क्यूब वाले, मतलब मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के जो सवाल पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं, एक दो सवाल को और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। रेशियो मेथड में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके सीखते जाओ, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। 14:7% की कमी हो रही है, ठीक है, ये नीचे एरो करने का मतलब कि डिक्रीज। 33:1% का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो आपसे सिंपल सा सादा सा सवाल पूछा जाएगा कि प्रतिशत कितना बदलाव हो रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाएगा कि प्रतिशत बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, बड़े प्यार से लिखो ओल्ड, ठीक है, या इसको मैं और दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, पुराना, ठीक है, अनुपात नया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ओल्ड न्यू, पहले अब, या पहले बाद में, पुराना नया, ठीक है। पुराना देखो, अब इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी स्टार्टिंग के 2 क्लास में, 14:7% जो होता है दोस्तों, वो होता है 1/7, ठीक है। घट रहा है, घट रहा है मतलब कि माइनस, ठीक है। तो देखो इसको कर देते हैं, पुराना वैल्यू क्या है, पुराना वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, तो पहले कितना था 7, ठीक है, अब कितना हो जा रहा है 7 - 1 कितना हो गया 6, समझ में आया। उसी तरह से 33:1/3% इसका जो वैल्यू होता है, 33:1/3% का, वो होता है 1/3। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस में आते जाएंगी जब आप इन चीज़ों को समझते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। 1/3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, पहले कितना था 3, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है 3+1 कितना हो गया 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, मैंने बोला डायगोनली कट सकता है, 3 का कितने बार में जाएगा 2 बार में। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यहाँ पे अपने हाथों को कंट्रोल में रखना है, ऐसे नहीं कि 2 × 2 = 4 काट देना है, ठीक है। मैंने बोला है कि ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। अब कितना बचा 7, और यहाँ कितना बचा 2 × 4 कितना हो गया 8, बात समझ में आ रहा है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 8, मतलब +1 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्रतिशत इंक्रीज जो है, ठीक है, या प्रतिशत चेंज बोल दो, प्रतिशत चेंज जो है वो कितना है, गैप कितना है 1 का, किस पे लेते हैं, हमेशा पुराने वैल्यू पे लेते हैं, मतलब 2/7 × 100 परसेंट, यानी कि हमेशा रखना परसेंट मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। 1/7 का अगर हम प्रतिशत में निकालते हैं, आप देख सकते हो कितना होता है 14:2/7%, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ध्यान से अच्छे तरीके से सीखना है। एक और बताता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एक अपना बेहद ही शानदार टॉपिक जो कि पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर किया है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी।
चलिए अगला सवाल ये जो है ये आपके सामने है, इसको मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे सेशन को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए खुद से इसको सॉल्व करें, ठीक है। 25% की कमी हो रही है, फिर 9 सही 1/11% की भी कमी हो रही है, आपको बताना है प्रतिशत बदलाव प्रतिशत चेंज, बताओ, ठीक है। मैं तब भी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, मैं 20 सेकंड के लिए रुकता हूँ, ठीक, चलो। ठीक, आई होप 20 सेकंड हो गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी देखो क्या है, फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो फ्रैक्शन में दिया है और ये दिया हुआ है एक इंटीजर के रूप में, मतलब एक सादे नंबर के रूप में। बेटा अगर गलती से भी याद रखे रहो, गलती से भी आपको एक भी अगर अंक, एक भी अगर जो नंबर है वो फ्रैक्शन के रूप में दिख जाए तो आप रेशियो मेथड ही यूज़ करना, वही आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 9 1/11% जो होता है वो कितना होता है, 1/11, क्लियर। और ये क्या है, घट रहा है, घट रहा है मतलब कि माइनस। उसी तरह से 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4, ये क्या है, ये भी घट रहा है मतलब कि माइनस। यहाँ तक अपने को बात क्लियर हो गया, हमने कर लिया, ठीक। अब वही अपना पुराना किस्सा, पहले या पुराना नया जो भी लिखना है, जैसे लिखना है, जिसमें आपको सहूलियत है लिख लो, पुराना और नया, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, पहले कितना था, 4, अब क्या हो गया, 4 - 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। उसी तरह से ये पहले कितना था, 11 - 1 अब कितना हो गया, ये 10, क्या बात समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है कैंसिल होते हुए आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर डायगोनली देखो तो 4 और 10 में क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से हम 2 बार में जाएंगे तो 4 मिलेगा, 2 से हम 5 बार में काटेंगे तो 10 मिलेगा, क्लियर। बाकी और कुछ तो नहीं है जो कैंसिल हो रहा है, नहीं है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 × 11 कितना हो गया बच्चों, 22, 3 × 5 कितना हो गया, 15। आप देख रहे हैं रेशियो अपने सबसे छोटे से छोटे रूप में आपको मिल गया, ठीक। अब देखो पहले कितना था 22, अब कितना है 15, तो कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो 22 में से कितना काटेंगे, माइनस का 7, तो प्रतिशत कमी जो होगी, ठीक है, प्रतिशत कमी जो होगी वो कितनी होगी, गैप जो है आप उसको लिखो ऊपर, 7, हमेशा पुरानी वैल्यू लेते हैं, 22 इंटू सॉल्व करेंगे 100। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या इसको मैं 2 से काटूंगा तो 11 बार में जाएगा, इसको काटूंगा 2 से तो 50 बार में जाएगा, 7 × 50 कर देंगे कितना हो जाएगा, 350/11, या फिर और सॉल्व करते हैं, 11 × 3 = 33, 20, 11 × 1 = 11, फिर उसके बाद 9, तो 31 9/11%, ये सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्लियर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। इससे आसान तरीका दूसरा और कोई भी नहीं है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो ये रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CISI, जो भी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे सब में रेशियो मेथड का इस्तेमाल होता है, सब में लॉजिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है, तो अच्छे तरीके से इन बातों को सीख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बेहद ही उमदा टॉपिक के ऊपर, जिसका कि डायरेक्ट जो हिसाब किताब है, जो उसका जो अप्रोच है वो इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपने इन बातों को समझ लिया है तो आप उस टॉपिक को चुटकियों में कर ले जाएंगे, मैं आपको बड़े शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरफ, जिसमें कि वही लॉजिक इस्तेमाल होने वाला है जो अभी हमने परसेंटेज चेंज का पढ़ा है, ठीक है। अब उसके एप्लीकेशन के रोल के बारे में बात करते हैं, अब तक तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में जो सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है यहाँ से, मेंसुरेशन से, ठीक है।
पहला हिस्सा वो हो गया जिसमें कि सीधे तौर पे सवाल पूछा जाएगा, उसको मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हिस्सा जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है मेंशुरेशन का। मेंशुरेशन यानी कि ऐसे सवाल जिसमें कि ज्योमेट्रिक फिगर्स जैसे कि आयत, वर्ग, फिर सर्कल हो गया, ठीक है, और आपके जितने भी घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर, आप देख सकते हैं पहले क्या था इस तरह से, बाद में क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्यूब, पहले ये बड़ा था बाद में छोटा हो गया। रेक्टेंगल यानी कि आयत, पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया। और उस तरह से क्यूबॉइड मतलब घनाभ, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम पिक्चर पिक्चर नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी हमने प्रतिशत बदलाव देखा, जो पढ़ा, उसका इस्तेमाल कहाँ है, कि ये जो बढ़ रहा है या जो घट रहा है तो ये कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका इस्तेमाल हम किससे करेंगे, वही लॉजिक से जो हमने सीखा है प्रतिशत चेंज का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सवालों से रूबरू करवाऊँगा और अच्छे अच्छे सवालों को हम डिस्कस करेंगे SSC के जो कि पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का जकीरा। चलो सवालों की शुरुआत करते हैं मेंशुरेशन के। सवाल देख सकते हैं आप, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ध्यान से देखो प्रतिशत क्या है, 8% और 5%, यही दिया है। इंटीजर के रूप में है, मतलब हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था अपने पास, प्रतिशत आर बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे ए और बी क्या है, प्रतिशत है, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो आज पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ए और बी आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हमें साइन का भी ध्यान देना होता है, ठीक है। बोल रहा है कि यह 8% और 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि होने पे प्लस लिखते हैं, कमी होने पे माइनस लिखते हैं। तो 8% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस 8, और 5% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस 5, ठीक है। प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे परसेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर जो आएगा वो सीधे सीधे परसेंट में होगा। उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, ए यानी कि 8, बी यानी कि 5, ठीक है, प्लस 8 × 5/100, ये 85 जा बच्चों कितना हो जाएगा, 8 + 5 हो गया 13, ठीक है। देखो 85 जा हो गया 40 × 100, समझ में आ रहा है, मतलब 4/10 कितना हो गया, 0.4, यानी कि 13.4 आएगा आंसर। और इसके साथ याद रख लो 13.4 नहीं 13.4%, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 13.4% होगा, ऑप्शन नंबर ए। CGL 22 का ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो भी पहली बार देख रहे हैं एक बार 10 से 15 सेकंड का टाइम देकर सुन लो। सक्सेसिव हमने पहचाना कि यहाँ पे इंटीजर के रूप में प्रतिशत दिया है तो सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। सक्सेसिव लगाया, उसका फॉर्मूला ये होता है, ए और बी क्या है, जो दी गई प्रतिशत है वो है। यहाँ पर हम ए और बी को जो लिखेंगे प्रतिशत के रूप में नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8/100, 5/100 लिख दो, पूरा का पूरा गेम चौपट हो जाएगा, ठीक। तो हमने 8 और 5 लिख दिया, और हमें यहाँ पे साइन का इस्तेमाल पता होना चाहिए। अगर ग्रोथ हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो माइनस रखेंगे। चूंकि दोनों में ग्रोथ हो रहा था तो हमने प्लस प्लस लिया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में होगा बाई डिफ़ॉल्ट। आई होप मैंने अपनी बात क्लियर रख दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल फटाफट देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 20% की वृद्धि व कमी होती है, ठीक है। मतलब 20% की पहले वृद्धि हो रही है और फिर 20% की कमी हो रही है, तो बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, 20% और 20% यानी कि देखो ए और बी के बारे में बात कर रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस 20, और 20% की कमी हो रही है बाद में यानी कि माइनस 20। बस आपको ये साइन के साथ लिखना है, बस इतनी बात याद रखो। अब सीधे सीधे इसको यहाँ पे पुट कर दो सक्सेसिव में, ए का वैल्यू है 20 प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस 20, ठीक है, प्लस ए इंटू बी यानी कि 20 × -20/100। बात समझ में आ रहा है,
20 और माइनस 20 ये तो सीधे सीधे कट गया है, प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस होगा। अब देखो 0 0 0 0 यानी कि कितना हुआ, -4 यानी कि प्रतिशत। ठीक है, मतलब अगर सवाल का उत्तर होगा तो क्या होगा कि 4% की कमी, ये माइनस क्या दर्शाता है, कमी। तो 4% की कमी होगी अगर पहले उसको 20% बढ़ाया जा रहा है और बाद में 20% कम किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, अब तो आप पहचान गए होंगे कि जब भी इंटीजर का होता है तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं कितने सरल तरीके से आंसर आ रहा है। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगे अगर आप कमेंट करेंगे, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए अगला सवाल बच्चों, एक आयत की लंबाई में, देखिए हम इसको अलग अलग सेक्शन में ही करेंगे, पहले आयत करेंगे फिर वर्ग करेंगे सर्कल जितने भी हम सबको देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास तक में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, बारी बारी सब चीज़ों को सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस रखना है। एक आयत की लंबाई में 33 1/3% की कमी एवं चौड़ाई में 12 1/2% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। ठीक है, पहले वो जो टाइप था उसमें इंटीजर के रूप में था, अब ये जो टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न के रूप में है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से एक बात अपने को क्लियर हुआ कि हम इसमें उस सक्सेसिव को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रेशियो मेथड। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया है कि कब आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 33 1/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है यानी कि घट रहा है, और चौड़ाई जो है, ठीक है, ये है लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, उसमें क्या हो रहा है, 12 1/2% की वृद्धि हो रही है यानी कि 12 1/2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कैसे बताया था, सबसे पहले तो आप इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर लो इसके फ्रैक्शन में, तो 33 1/3% कितना हो गया, 1/3, कमी यानी कि माइनस, 12 1/2% का मान कितना होता है, ये होता है 1/8। ये सारे के सारे आपको फ्रैक्शन पता होने चाहिए बच्चों, अगर आप अपने कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाना चाहते हो, वरना इस भंवर जाल में फंसे रह जाओगे। ये बढ़ रहा है यानी कि क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इतना आपने कर लिया, सवाल का 90% काम आपका हो गया है। अब क्या करते हैं, पुराना और नया, ठीक है, मैं इसको ओल्ड और न्यू लिख दे रहा हूँ, पहले वाला ओल्ड, दूसरा वाला क्या है, न्यू। ठीक है, ध्यान से देखो, लेंथ कितना दिया हुआ है, पहले था 3, अब कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 1/8, पहले था 8, अब क्या हो रहा है, 8 + 1 कितना हो जा रहा है, 9। समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब सिंपल है, देखो कैंसिल हो रहा है 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो बचा क्या, 4 और 3, कितना हो रहा है, पहले 4 था अब 3 है, मतलब 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल रहा है कि प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक है, अगर बढ़ता तो प्रतिशत वृद्धि होती, तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी जो है या प्रतिशत बदलाव जो भी कह लीजिए, वो कितना हो जाएगा, गैप जो है उसको ऊपर लिखो, फिर जो पुरानी वैल्यू है उसको नीचे लिखो, इंटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा, 25% की कमी। क्या बात समझ में आया, ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान तरीके से हमने चीज़ों को किया, सॉल्व किया, आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बच्चों इसको यहीं तक ही हम रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाना है, सीखना अच्छे तरीके से सीखना है, और हर एक चीज़ सीखेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सिलसिलेवार तरीके से आप पूरे के पूरे सेशंस को देखते जाइएगा, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इस 0 to Hero बैच को, आप को एक से एक अच्छे से अच्छे सवाल आपको करने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अभी तो ये सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आगे आगे देखिए और आपको अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और आपकी इच्छा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में।